गाइज मैं सफर आपके लिए लेके आ चुका हूँ भाई एक और नई वीडियो। तो भाई आपके सामने है इस टाइम पर डेल्टा वेरिएंट, जो कि भाई बलिनो का डेल्टा वेरिएंट है। काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बट इसके अंदर भी वही सेम बात है कि यहाँ पर आपको DRL नहीं मिलते हैं, इसके अंदर भी प्रोजेक्टर मिलते हैं, आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। और लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ इसमें बढ़ गई है, जैसे कि आप ग्रिल में देख सकते हो, यहाँ पर आप HS क्रोम वाला हो गया, जो कि भाई आपको उस बार जो साइड मॉडल खड़ा हुआ उसके अंदर आपको क्रोम वाला देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्रोम वाला देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अंदर फॉग लाइट नहीं मिलती है आपको, तो भाई सामने से तो वही चीज़ है। बाकी जो वेट के मामले में तो भाई इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि तीनों सेगमेंट का जो वेट है, चारों सेगमेंट का जो गेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी की गई है। इसके अभी बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में आपको एक तो व्हील कैप मिल जाती है इसकी, और व्हील कैप भी देखो कितनी बढ़िया दे रहे हैं, ताकि निकल के गिरेगी नहीं, जो कि भाई मारुति के अंदर ये वाली व्हील कैप आती नहीं थी। तो अभी आपको ये वाली जो नट वाली व्हील कैप होती है ये मिल जाती है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। इसके बाद अभी बात करते हैं इसके साइड मिरर की। तो जो पहले वाले ये लोग मिरर यूज़ करते हैं, जो वैगनार में यूज़ कर रहे हैं, जो बलिनो में यूज़ कर रहे हैं, जो स्विफ्ट में यूज़ कर रहे हैं, वही मिरर इन्होंने इस गाड़ी में भी यूज़ किया, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता ही लगता है, मतलब इससे तो कोई शिकायत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद भाई यह है कुछ इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल, और यहाँ पर ऊपर मिल जाता है आपको एंटीना, ठीक है, जो कि आपको सिग्मा के अंदर दिखाया था मैंने, कि सिर्फ दिखा रखा था, था नहीं उसके अंदर, लेकिन यह है कि आप लगवा जरूर सकते हो उसके अंदर। अंदर आपको मिल जाती है डिस्प्ले वगैरह, तो भाई एक बार अंदर चलेंगे उसके बाद भी अंदर की पूरे इंटीरियर की बात करेंगे। उसके बाद भाई बात करते हैं बैक साइड की। तो बैक साइड में इसके अंदर भी आपको सेम है पूरा, यानी कि इसके अंदर भी आपको वाइपर नहीं मिलता, नहीं सिग्मा और डेल्टा के अंदर आपको वाइपर नहीं मिलता। यहाँ पर आपको डिफॉगर वाला ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर भी। और इसके बाद भाई यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी टेल लाइट है, टेल लाइट सबके अंदर सेम दी गई है। और यहाँ पर आपको देख रहे हो स्पॉट कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब टेल लाइट के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ ये लग रही है। और उसके बाद बात करते हैं इसके रिफ्लेक्टर की। तो भाई रिफ्लेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर इसको आफ्टर मार्केट में आप चेंज करा सकते हो, उसके साथ साथ जो उसके रिवर्स पार्किंग सेंसर है तो वो भी आपको देख लो कहाँ पर माउंट है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बातचीत है। एक बार अभी बात करते हैं इसके अंदर की साइड की। तो अंदर में देख लेते हैं भाई कौन कौन से इसके अंदर जो प्लेयर वगैरह लगा है वो कौन सा लगा है। बाकी इसके जो अंदर का लेग रूम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो यहाँ पर भी आप इसका एक बार चेकआउट कर सकते हो। भाई यहाँ पर आपको एक तो इसकी ये वाली प्लेट मिल जाती है, जो कि भाई आपको सिग्मा मॉडल में नहीं मिलती, बट यहाँ पर आपको ये वाली भी ट्रे मिल जाती है, बूट ट्रे जिसको हम बोलते हैं। बाकी आपको स्पेस वगैरह का तो पता ही है, 15 इंची का अलॉय इसके अंदर भी आपको, रिंग जो है वो इसके अंदर भी आपको मिल जाता है। एक बार चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर की तरफ। जो इसमें आपको गया डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक जो उसके साइड मिरर है वो ऑटोमेटिक फोल्ड वाले मिल जाते हैं, यानी कि आपको अंदर से इसको फोल्ड भी कर सकते हो। इसके बाद भाई बाकी इसमें क्रोम वाले कुछ कुछ चीज़ें इसमें क्रोम वाली रहती हैं। गेट आपको पता ही है कि सब कुछ सेम रहता है, और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। डेल्टा वेरिएंट में क्या होता है कि इसका जो बटन है जब आप इसको क्लिक करोगे उसके बाद ही बंद होंगे, लॉक होने पे बंद नहीं होंगे, तो भाई इसके अंदर भी आपको वो चीज़ नहीं मिलती। बट यहाँ से आप इसको सेट जरूर कर सकते हो, दोनों साइड के मिरर आप सेट कर सकते हो। इसके बाद भाई बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। तो स्टेयरिंग माउंट आप यहाँ पर देख सकते हो, भाई स्टेयरिंग माउंट में आपको ये जो वॉल्यूम वाले के ऑप्शन है ये चीज़ आपको मिल जाती है, यानी कि स्टेयरिंग रिमोट आपको मिल जाता है, बट स्टिल इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देख रहे हो, इसके अंदर भी वही वाला ऑप्शन है कि ऑटोमेटिक गाड़ी जो अपनी बंद हो जाएगी चालू हो जाएगी, वही सब कुछ इसके अंदर ऑप्शन आपको मिलता है। बाकी स्पेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई इसके अंदर, लेग स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इसके अंदर। और ये चीज़ भी देख लो, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक मिली थी, लेकिन यहाँ पर आपको जो जीटा मिलती है वो वाली मिल जाती है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब लुक जो है ना इन्हेंस कर देती है इसकी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर आप इसका मीटर भी देख सकते हो, भाई सेम मीटर है जो सिग्मा में आपको मिल रहा है वही आपको डेल्टा के अंदर मिल रहा है। और यहाँ पर जो प्लेयर है जो हमें जीटा के अंदर मिलता था, भाई समथिंग वही 7 इंच का प्लेयर इन्होंने इसके अंदर डाल दिया। तो कहीं ना कहीं पर इनको अपना करना था, मतलब पुराना जो सामान था वो डालना था, तो भाई इन्होंने इसके अंदर डाला है। पर ये प्लेयर से कोई शिकायत नहीं है, इसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही चल जाते हैं। यहाँ पर आपको वही जो आपका मिरर है वही वाला मिल जाता है, यानी कि आप इसको जब नीचे से करते हो तो डिम भी हो जाएगी, तो लाइट डिमिंग वाला जो नाइट विजन वाला होता है वाला सीन इसके अंदर भी आपको मिल जाता है। बाकी इसके अंदर भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, और भाई सीटें जो हैं इसमें आपको देख लो भाई, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ भी बढ़िया ही है। इंटीरियर वगैरह सब कुछ इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इन्हेंस कर दिया गया। उसके बाद ये आपका जो AC क्लाइमेट कंट्रोल है ये पूरा आपको मिल जाएगा इसके अंदर, यानी कि सिग्मा के अंदर ही मिलता है, डेल्टा के अंदर ही मिल जाता है, तो भाई ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और 3 कलर में आपको मिल जाता है, ब्लू कलर हो गया आपका, और बाकी आपका ग्रे वाला हो गया, सिल्वर सा दिख रहा है आपको ऊपर, वह ब्लैक हो गया, तो ये 3 कलर वाला सीन रहता है इसके अंदर। ये है कुछ डेल्टा वेरिएंट, तो आपको सारी की सारी जानकारी दे दी है। बाकी इंजन के बारे में नॉलेज के बारे में आप मेरी सिग्मा वाली वीडियो भी देख सकते हो। इंजन में क्या है कि बाकी तो सब कुछ भारी कर ही दिया है, इंजन आपको जो 4 स्ट्रोक वाला इंजन आता है वो इसका मिल गया, नहीं 4 इंजेक्टर वाला जो इंजन आता है वो आपको मिल जाता है। और बाकी जो कलर वाला है ना भाई, इसका गाड़ी का जो कलर है पहले वाले की कलरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर इसके अंदर आए हैं, तो ब्लू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और बाकी
आपका जो सिल्वर वाला समथिंग कुछ कलर है तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना भाई ये कौन सा कलर है, क्योंकि मुझे कलर के मामले में थोड़ा सा मैं कच्चा हूँ, तो कलर के मामले में कलर ब्लाइंड वाला सीन है समझ लो मेरे साथ हुआ है। बाकी भाई गाड़ी जो है वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकाली है, बट फीचर्स के साथ छेड़खानी करी गई है, बट सिग्मा भी बढ़ता है और डेल्टा भी बढ़ता है जिस तरह के इसके फीचर्स हैं। भाई फिलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलना और चैनल को लेना सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो फिलहाल के लिए खत्म करते हैं इस वीडियो को भाई, जय हिंद जय भारत।